छत्तीसगढ़ के मशहूर निर्देशक मनीष मानिकपुरी द्वारा निर्मित छत्तीसगढ़ी फिल्म गुड़िया 8 दिसंबर को प्रदेश भर के सिनेमाघरों में एक साथ प्रदर्शित होने जा रही है, जिसके रीड में हॉलीवुड के सुपरस्टार और मशहूर यूट्यूबर अमलेश नागेश हैं। निर्माता मोहित साहू ने फिल्म के बारे में बताया कि फिल्म की खासियत है कि इस फिल्म की कहानी स्वयं अमलेश नागेश द्वारा लिखी गई और इस फिल्म में उनका एक्शन से भरपूर अभिनय दिखाई देगा। हीरो अमलेश नागेश के अपोजिट सधे अभिनय के साथ हेमा शुक्ला बतौर अभिनेत्री दिखाई देंगी। निर्माता मोहित साहू ने बताया कि गुड़िया का संगीत पक्ष बहुत मजबूत है, जिसके गाने मिलेनियम क्लब में पहुंच चुके हैं। गानों को लेकर लाखों छत्तीसगढ़ी संगीत प्रेमी वर्ग अपने स्टाइल में रील्स बनाने का जबरदस्त क्रेज है। फिल्म को लेकर दर्शकों में एक जबरदस्त माहौल बना हुआ है। फिल्म के प्रदर्शन को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है, क्योंकि इस फिल्म के बेहतर प्रमोशन के चलते गुड़िया बहुप्रतीक्षित फिल्मों की श्रेणी में शामिल है। फिल्म में कैमरे में कमाल दिखाया है रजत सिंह राजपूत ने, गीतकार नवल दास मानिकपुरी एवं ओमी स्टाइल का है। कर्णप्रिया म्यूजिक दिया है नवल दास मानिकपुरी ने, फिल्म को एडिट किया है गौरांग त्रिवेदी ने, म्यूजिक अरेंजर प्रफुल्ल बेहरा कटक स्टूडियो का है, रिकॉर्डिंग का भार नीरज वर्मा ने संभाला है। तो सोमवारी हो आज आए हम बिलासपुर में और प्रेस कॉन्फ्रेंस आबे हमार 8 दिसंबर के फिल्म आते गुड़िया और गुड़िया की स्टोरी में लिखे हूँ, जिसमें और हीरो के किरदार भी मैं कर रहा हूँ, साथ में हेमा शुक्ला जी और जेकर निर्माता हबे एन माई फिल्म प्रोडक्शन। सोमवारी हो मतलब फिल्म बनाना रही से बहुत पहले से, आज जब मैं यहाँ वो मैं स्टोरी लिखी हूँ तो मैं सोचा कि कुछ अलग तरह की स्टोरी दिखाया जाए। यहाँ बहुत ज़्यादा कमेंट आते कि प्यार मोहब्बत में ही स्टोरी बनते करके, तो मैं पहली बार नारकोटिक ड्रग्स लेके उठा हूँ। नशा तो नॉर्मल नशा भी करते हैं आदमी की, माकूर खाते हैं, दारू मोह सब पीते, लेकिन आज के डेट में हम देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कि सिटी एरिया में भी अलग अलग प्रकार के नशा आ गए हैं और साथ ही साथ अब गाँव में भी आ गए हैं। तो मैं पहले आते रहे हूँ शहर में तो फिर देखूँ कि ऐसे ऐसे नशा होते, तो फिर गांव में भी वैसे नशा कुछ साल बाद स्टार्ट हो गए, तो कहाँ से लिंक रहते कैसे होते करके और गहन विचार के बाद फिल्म लिखे हूँ मैं। हाँ मैं होते का कि जो नार्कोटिक ड्रग्स है अलग अलग प्रकार के, वो गाँव में हावी होते रहते, जो नॉर्मल जिंदगी रहते गाँव के वो प्रभावी होते रहते। तो वहाँ एक लड़का रहते जो हीरो हरे वहाँ के फिल्म के, वो जो नशा करते और जो नहीं करे ओकर ऊपर का प्रभाव पड़ते और वो का झेलना पड़ते, अंततः वो का रिजल्ट देते, ये फिल्म आप सब बहुत सुना देखे बा मिली। इसने आशा करता हूँ कि मैं हाँ लिखे जो लिखे हूँ आप सबों के बीच में पहुँच जाए, तो 8 दिसंबर का आप सब बहुत सुना देखे बा मिली। और लव स्टोरी हावे, फैमिली ड्रामा हावे, एक्शन हावे, कॉमेडी तो हावे, काबर के आर मास्टर और नितेश भाई भी हमारे साथ में काम करे और आदरणी मन साथ में भी काम करे का मौका मिली, जिक्र मैं पहले पिक्चर भी कटा रहे हूँ और कुछ ऐसे कलाकार हैं जिक्र मैं पहली बार रूबरू हुए हूँ और बहुत अच्छा लगी कि हमारे जो आदरणीय जितना भी कलाकार रहे हैं उनकर मन साथ मोला सहज तरीका से काम करे के मौका मिली इस गुड़िया फिल्म में। तो पिक्चर के शूटिंग कहाँ कहाँ? पिक्चर के फिल्म शूट हुए मतलब स्टोरी में ऐसे चाहिए रही कि ना एक गांव नॉर्मल गांव जहाँ कम सुख सुविधा होते, गांव देहात में जहाँ पुलिस से बेखबर रहते हैं और अपन मस्त जिंदगी जियत रहते, वैसे जगह चाहिए रही से बरसा टोला गांव मिली दल्ली राजहरा में। और संयोग के बात हरे कि मैं जब फिल्म लिख रहा हूँ 2 साल पहले उसमें मैं हाँ कोहका टोला गांव करके लिखे रहे हूँ और वैसे गांव मिल गया मतलब बरसा टोला, तो बहुत अच्छा लगे सब गांव मतलब एग्जैक्ट वही चॉइस जिसने मोल चाहते रहे हूँ और बहुत सुंदर फिल्म आए हैं फिल्म मतलब जी। आओ सर मैंने देखा कि आप खाली बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।